नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी बहुत ही कम टाइम में, सूजी के गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताती हूँ। तो सूजी के गुलाब जामुन आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे और ये कम टाइम में भी बन जाएंगे। और दोस्तों, सूजी गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने सूजी ली है, ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है, ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है क्योंकि हम लोगों को चाशनी ज़्यादा बनानी है, ये मैंने ली है किशमिश। तो सबसे पहले हम लोग सूजी का पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है सूजी का पेस्ट बनाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने गैस चालू कर दिया, गैस अब इसको थोड़ी देर गर्म करने के लिए रखेंगे कढ़ाई को। तो ये जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा दूध डालेंगे। हम लोगों को एक साथ दूध नहीं डालना है, अब हम लोग दूध में ही सूजी ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख देंगे और हम लोगों को इसको चलाना है लगातार। ये हमारा अच्छे से, थोड़ा सा जो मैंने दूध डाला था वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम लोग थोड़ा और दूध डालेंगे। हम लोगों को एक साथ दूध को नहीं डालना और ऐसे थोड़ा घुमाकर डालना है सूजी में दूध। अब इसको भी मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने जो पूरी कटोरी थी हम लोगों की फुल, उसको मैंने उस दूध को मैंने डाल दिया सूजी में। आप देख सकते हैं जो हमारी सूजी है वो एब्जॉर्ब कर रही है दूध को। अब इसको मिक्स करते रहना हम लोगों को लगातार। और ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप जब नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो जो हमारा सूजी का जो बैटर है, जो पेस्ट है, वो थोड़ा ही चिपकेगा। ये जो मैंने 500 ग्राम सूजी ली थी उसमें मैंने 250 ग्राम दूध डाला है। अगर आपको सूजी के गुलाब जामुन ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा सूजी ले सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा दूध लेना है, सूजी से आधा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो तैयार है। तो हम लोग गैस बंद करेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। इसको हम लोग ठंडा एक प्लेट में करेंगे। इसको हम लोगों को थोड़ा दबाना है सूजी को, जिससे जल्दी से ठंडी हो सके। और आप इसको 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जो ये थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी से हमारी जो सूजी है। जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है, ये मैंने पानी लिया चाशनी बनाने के लिए। अब हम लोग पानी को डालेंगे। मैंने पहले से ही गैस ऑन कर दी थी, जितना मैंने चीनी लिया उससे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। अब हम लोगों को पानी को थोड़ा गर्म करना है। पानी भी हमारा लगभग गर्म हो चुका है गुनगुना। अब इसमें हम लोगों को चीनी डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। तो हम लोगों को चाशनी को थोड़ा मिक्स करना है अच्छे से। और जब तक हमारी चाशनी बन रही है, हम लोगों का बैटर भी ठंडा हो चुका है, तो हम लोग बैटर को तैयार करेंगे। तो ये दोस्तों, मैंने बैटर रखा था सूजी का, वो ठंडा हो चुका है। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है इसको, हम लोगों को इसको थोड़ा सा ही बस ठंडा करना है। ये मैंने हाथ में घी लिया है, घी को हम लोग अच्छे से लगाएंगे हाथ में, जिससे जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से चिकना हो सके, गुलाब जामुनों का डो। और आपको ज़्यादा मोटी सूजी नहीं लेनी है डो बनाने के लिए, बारीक सूजी लेनी है। दो टाइप की सूजी आती है, तो आपको बारीक सूजी लेनी है गुलाब जामुन बनाने के लिए। ये जो हमारा डो है इसको हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। ये जो हमारा डो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और अच्छा भी बन चुका है हम लोगों का सूजी का। अब हम लोग इसे गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब गैस हम लोग बंद करेंगे और इसको रखेंगे हम लोग जब तक हम लोग अपने गुलाब जामुन बनाएंगे। हम लोग गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, अब हम लोग गर्म करेंगे। मैंने गैस पहले से ऑन कर दी थी। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम लोग अपना जो हम लोगों ने गुलाब जामुन का डो तैयार किया था सूजी के, वो गुलाब जामुन बनाएंगे उसका। तो ये डो तैयार है। हम लोग किशमिश भी रख लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है किशमिश तभी आप डालिए।
आप कितने भी साइज के बना सकते हैं गुलाब जामुन। इसमें एक भी दरार नहीं होनी चाहिए गुलाब जामुनों में, नहीं तो जो हमारे गुलाब जामुन है वो तेल में जाके ही फट जाएंगे डायरेक्ट। तो हम लोगों को अब इसको बीच में से दबाना है और इसमें अब हम लोग किशमिश डालेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप किशमिश डालिए। अब इसको ऐसे करना है हम लोगों को फर्स्ट, और फिर इसको हम लोगों को गोल करना है, गोल शेप में लेना है। तो हम लोगों का गुलाब जामुन तैयार है, देख सकते हैं आप, एक भी जगह से इसमें दरार नहीं है। अब हम लोग ऐसे ही बनाएंगे हम लोगों के दूसरे गुलाब जामुन को भी। मैंने ये जो गुलाब जामुन बनाया है डो, उसमें मैंने बिल्कुल भी मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है, और आप भी मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो जैसे ही फ्राई करने के लिए हम लोग तेल में डालेंगे वो डायरेक्ट फट जाएंगे, तो इसका यूज़ आप मत कीजिए। और ये गुलाब जामुन खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब सभी गुलाब जामुन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, इसको भी आप देख सकते हैं एक भी दरार नहीं आई। तो हमारे देख सकते हैं सूजी के गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब हम लोग इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम लोग गुलाब जामुन को डालेंगे सूजी के गुलाब जामुन को तेल में। एक साथ में आपके जितने तेल में आए आप उतने ही गुलाब जामुन डालिए। और गैस का फ्लेम हम लोगों को इस टाइम बिल्कुल भी बिल्कुल कम रखना है, ज्यादा नहीं करना है। तो हमने सभी गुलाब जामुनों को तेल में डाल लिया। अब इसको हम लोग चम्मच के सहायता से बहुत धीरे धीरे हम लोगों को पलटना है इसको। अगर आप इस टाइम ज्यादा गैस का फ्लेम ज्यादा रखते हैं तो ये जो हमारे गुलाब जामुन है वो नीचे से रेड हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल कम रखना है। इसको हम लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ये देख सकते हैं इसको बिल्कुल धीमी गैस पे सेकना है, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन तो बाहर से तो रेड हो जाएंगे पर अंदर से नहीं सिकेंगे, और ये खाने में भी उतने टेस्टी नहीं लगेंगे जितने लगते हैं। ये देख सकते हैं फूल भी रहे हैं थोड़े थोड़े, और ये बिल्कुल भी फटे भी नहीं है आप देख सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक से सूजे के गुलाब जामुन बनाएंगे तो आप खोए के गुलाब जामुन भी भूल जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं हमारे सूजे के गुलाब जामुन। और मैंने एक वीडियो और भी डाला है आटे का गुलाब जामुन, तो आप उसको भी बनाना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे रखा है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। वो भी बहुत इजी मेथड से बनता है आटे के गुलाब जामुन। तो हम लोगों को इसको अभी भी कम गैस पे ही सेकना है। अगर आपको इसका जल्दी बनाना है थोड़ा, तो आप थोड़ी देर बाद इसका थोड़ा गैस का फ्लेम ज्यादा कर सकते हैं जिससे इसका कलर अच्छा आए। और देख सकते हैं आप बीच में से बिल्कुल भी नहीं फटा, और कितना अच्छा लग रहा है हमारे गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन हमारे अंदर से सिक चुके हैं पर इसका अभी तक कलर नहीं आया, तो हम लोग थोड़ा गैस का फ्लेम ज़्यादा करेंगे जिससे हमारा जो बाहर का गुलाब जामुन है उसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं वैसे भी कितना अच्छा लग रहा है, एक भी फटा भी नहीं है गुलाब जामुन। तो आप देख सकते हैं हमारा गुलाब जामुन का कितना प्यारा कलर आया है। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे और चाशनी में डालेंगे। ये अच्छे से सिक चुके हैं आप देख सकते हैं, देखिए। तब हम लोग इसको निकालेंगे ऑयल से, और हम लोग इसको अब निकालेंगे। तो हमने गुलाब जामुनों को चाशनी में डाल दिया। अब हम लोग गुलाब जामुनों की गैस ऑन करेंगे। तो हम लोग गैस ऑन करेंगे, अब इसको हम लोग 2 मिनट के लिए चाशनी में उकाल आने के लिए रखेंगे। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है हमारा सूजी गुलाब जामुन का कलर। तो अब इसको हम लोग उकाल आने के लिए रखेंगे 2 मिनट चाशनी में। तो उकाल हमारी आ चुकी है, हम लोग गैस बंद करेंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए चाशनी में रखेंगे जिससे जो हमारे गुलाब जामुन में जो चाशनी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके गुलाब जामुन। तब हम लोग इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। तो हमारे सूजी के गुलाब जामुन तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये गुलाब जामुन। तो हमारे सिंपल तरीके से सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ लाइक करें,
कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।